उनको आप रेस्ट दे रहे हैं, तो फिजिकल मेडिटेशन भी और फिजिकल उपवास भी। दूसरा उपवास, वाणी का उपवास, ये तो हो गया शरीर का उपवास। वाणी का उपवास किससे होता है? ध्यान तो अच्छा है सब, लेकिन कभी सोचा क्या उपवास होता है? ऐसे मौन करने से वाणी का उपवास होता है? मौन होते हैं तो वाणी का उपवास होता, वाणी को रेस्ट मिलता है। जैसे शरीर को रेस्ट मिला, आपने आहार नहीं लिया तो शरीर को रेस्ट मिला, वैसे ही ये जो वोकल कॉर्ड है, आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब हम ध्यान कराते हैं तो स्पेशल जब हम यहाँ तक पहुँचते हैं तो आपको कहते हैं रिलैक्स द वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड को रिलैक्स करने का मतलब क्या? हमारी भाषा कहाँ से उत्पन्न होती है? सारे विचार कहाँ से पैदा होते हैं? भले बाहर से बोले या अंदर बोले, वाणी कहाँ से पैदा हो रही है? कहाँ से? भले आप मन ही मन बोल रहे हैं तो भी यहीं से। तो ये हमारा वोकल कॉर्ड एक्टिव रहता है, इसको रिलैक्स करने का मतलब है अंतर्मन का अभ्यास। वोकल कॉर्ड को रेस्ट देने का मतलब है वाणी का उपवास। तीसरा उपवास किसका? कितने उपवास हो गए? दो। शरीर का उपवास, वाणी का उपवास, और अब बाकी क्या रहा? मन का उपवास। अब मन का उपवास कैसे करोगे? किसके द्वारा होता है मन का उपवास? हाँ रमन भाई, अच्छा ही वहाँ पर जी कहते हैं जब मन ऊपर वास करे, चीज ऑन अ हाई लेवल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दैट इज द स्टेट ऑफ यूनियन विच योर ऑल आर। पांच इंद्रियों को कंट्रोल करे तो मन का, पांच इंद्रियों का कंट्रोल शरीर के उपवास में। जिस दिन आप उपवास करते हो इंद्रियां हमारी शांत रहती है, उस दिन बहुत ज्यादा भागती नहीं है, ठीक है? वाणी का उपवास, वाणी का उपवास करते हैं तब हमारा मन पर कंट्रोल होता है, और मन के उपवास से हमारा प्राण कंट्रोल में होता है। समझ रहे हैं आप? ये तीन प्रकार के उपवास, और ये तीन प्रकार के उपवास का काम क्या है? क्या काम है? शरीर की शुद्धि, शरीर के साथ जुड़ी हुई इंद्रियों की शुद्धि, फिर वचन की शुद्धि वाणी के उपवास से, और मन की शुद्धि प्राण के, यानी प्राण की शुद्धि मन के उपवास से। जब हमारा मन का व्यापार ध्यान के माध्यम से रुकता है, जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं तब मन का व्यापार रुकता है, और मन का व्यापार रुकता है तब मन की शुद्धि प्राण की शुद्धि आगे जाए, तो हमारा जो ध्येय है मैं चित्त शुद्धि के लिए ध्यान कर रहा हूँ, तो चित्त की शुद्धि होती है। तो आज हमारा प्रसंग चल रहा है कि मेघ कुमार को भगवान महावीर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आर्जवम वपुषो वाचो मनसः सत्यमुच्यते अभिसंवाद योगश्च तत्र स्थापये मानस। जिस व्यक्ति का मन, वचन और शरीर आर्जवम सरल हो जाते हैं, जब ये तीनों सरल होते हैं तो आपके जीवन में किसका विकास होता है? सत्य का विकास होता है, और जितना सत्य का विकास होता है उतनी ही मानसिक प्रसन्नता का विकास होता है। आर्जव शब्द आया है,
आर्जव का मतलब क्या है? जानते नहीं है आप आर्जव का मतलब? सरलता। सरलता का अपोजिट क्या है? कौशल। सरलता का अपोजिट माया हो गया। गुस्सा नहीं, सरलता का अपोजिट है माया। या तो सरल होगा व्यक्ति या फिर माया करेगा, ठीक है? सरलता का अपोजिट है माया। पाप कितने हैं? पाप कितने हैं? 18 में माया आई है कि नहीं आई? 18 पाप में एक पाप है माया। कषाय कितने हैं? कितने हैं? एक साथ आवाज आनी चाहिए, ये तो बिल्कुल हमारा एक है ना, एकदम बेसिक नॉलेज है। एक का मतलब बेसिक नॉलेज है। कषाय कितने? चार। और एक साथ बोलो, नाम क्या है? क्रोध मान माया लोभ। बहुत सोच सोच करके बोल रहे हैं। एक एक सांस में बोलना चाहिए, इतना याद अपने नाम की तरह। अच्छा, चार कषाय में कौन सा है? एक कषाय माया, एक कषाय। 18 पाप में एक पाप माया, और चार कषाय में एक कषाय माया। माया की बात चल रही है ना। और हमारे मूल व्रत कितने हैं श्रावक के और साधु के? कितने हैं मूल व्रत? बोल रही हूँ मूल पांच ही हैं आपके, आपके भी पांच हैं, हमारे भी पांच। उनमें एक व्रत क्या है? माया का है। अरे रेखा मैं अहिंसा उसमें एक सत्य व्रत है। सत्य एक कौन सा व्रत है? सत्य। और सत्य का उल्टा क्या? झूठ। सत्य सत्य का अपोजिट झूठ। झूठ झूठ जहाँ झूठ है वहाँ माया है कि नहीं है? आप ध्यान से समझ रहे हैं। पांच व्रत में एक व्रत असत्य, असत्य माया से जुड़ा। चार कषाय में एक कषाय माया। 18 पाप में एक पाप है माया। इस माया को आज हम समझे, ये जितनी माया होगी उतनी मलिनता, जितनी मलिनता उतना ही मन अशांत। आप खुश नहीं रह पाओ, चाहते हुए भी नहीं रह पाओ, कितनी हम एक्टिव करें तो भी नहीं रहा। तो इस माया को समझने के लिए आज हम कुछ आपको उदाहरण बता रहे हैं। जब छोटा बच्चा होता है तो हम उसको सावधान करते हैं, किससे? सांप से, स्नेक से। उसको टच नहीं करना है, करते ही नहीं। बच्चे को तो इतना पता नहीं होता है, वो तो छोटा होता है तो पकड़ भी लेता है, लेकिन धीरे धीरे एक समझ आती है और उनको समझाती है कि उसको छूना नहीं। पिता ने कहा सांप को छूना नहीं, वो काट जाता है और हम मर जाते हैं। उसी बच्चे को लेके पिता कहीं जा रहे थे, बीच में कौन आया? सपेरा आया। सपेरा क्या कर रहा था? सांप को खिला रहा था, नचा रहा था। अब बच्चे के पास तो आरबीयू है, उसने कहा आपने कहा था इससे दूर रहना, और ये तो इनके साथ खेल रहा है। तो पिता ने क्या कहा आप बोलो, क्या जवाब दिया होगा बोलो? ज्ञान है कैसे करना है, उसको ज्ञान है। नहीं, जादूगर है। और बोलो, जादूगर है। और बोलो, संगीत की माया है। संगीत की माया से उसे संगीत की माया उनका जहर निकाल दिया। अच्छा, उसका जहर निकाल दिया है ना, ये भी आया है अभी कि उसका जहर निकाल दिया जाता है। अच्छा, जहर निकाल दिया तो हम उसको टच करते हैं? आपने कभी किया जिसका जहर निकाल दिया?
अब ये बात सुन ली उस कमेरे ने सुन ली कि पिता कह रहा है उसका जहर निकाल दिया इसीलिए इसके साथ खेल रहा है, तो क्या सपेरा कहेगा कि लो भाई ये तो निकाला हुआ है आप अपने बच्चे को दे दो इसको खेलने दो, तो खेलने देंगे क्या? समझ गए? अभी ये पता भी है कि उसमें विष नहीं है फिर भी आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? सांप के साथ खेलते हैं? पता है फिर भी सांप के साथ। अभी भी आप यहाँ आए बहुत ठंडी लगी, ऐसे ही इंडिया में कहीं गए कहीं तीर्थ यात्रा में गए हुए थे भयंकर सर्दी और सबको गए कि बरामदे में सोना है और वही एक रूम भी जो खाली पड़ा है आपके मन में आया भाई ये खाली पड़ा है तो इसी को मांग लेते। आपने मांगा कि रूम दे दीजिए खाली है इतनी ठंड लग रही, उसने कहा ले लो सो जाओ। साफ है फिर मन में आया कि ये खाली क्यों रखा फिर हमको क्यों नहीं दिया? तो वहां जो कर्मचारी था उसने कहा कि 3 दिन पहले यहाँ सांप आए हैं। अब आप उसमें सोओगे क्या? 3 दिन पहले आया था अभी नहीं है। अब आप समझने की कोशिश करें, जहर नहीं है सांप में तो भी आप सांप से कभी आया था आज नहीं है चला भी गया उसको तो छोड़ के आ गए, फिर भी 3 दिन पहले यहाँ सांप था इसीलिए भीतर में भय है कि आप वहां सोगे। चौथी बात, अभी अभी यहाँ अपना सेंटर तो एकदम बीच में नहीं है बहुत साइड में और यहाँ भी हमारे दर्शन करने आते रहते हैं सांप। अब सपोज एकदम अभी एंट्री की सांप में आप क्या करोगे? किसी ने कहा पीछे शशांक भाई खड़े हैं, शशांक भाई ने एकदम कहा सांप आया आपने है? क्या करोगे? अपने आप को बचाओगे कि नहीं? बचाओगे। अच्छा केवल सुना नहीं आपने देखा नहीं है अभी तक, अभी देखा भी नहीं है तो भी क्या करोगे? तो भी भागने की कोशिश करोगे? आप समझ रहे हैं सांप का नाम भी हम सुनना नहीं चाहते, सांप से दूर रहना चाहते हैं, सांप में जहर भी नहीं है फिर भी हम उसको छूना नहीं चाहते। कभी सांप आया था उसको सुनकर भी हम उस स्थान को छोड़ना चाहते हैं और ऐसे ही कुछ सुन लिया देखा नहीं तो भी सांप से हम दूर रहना चाहते हैं, उसका नाम भी नहीं अच्छा है, उसके पास भी जाना अच्छा नहीं लगता। यानी चारों तरफ आप देखिए, सांप के चारों तरफ आप देखिए, आगे पीछे दाएं बाएं फ्यूचर पास्ट वर्तमान सब देख लीजिए। समी जी जो सांप की पूजा करते हैं तो सांप की आप पूजा करते हैं वो भी आप प्रेजेंट सांप की पूजा थोड़ी कर रहे हैं, दूध देते हैं चढ़ाते हैं नागपंचमी मेरे तो घर में आ जाता मैं दूध डालती हूँ और हम लोग क्या है सांप आता है तो हम प्राय सबको सावधान करते हैं कि उन्हें मारना नहीं है, उनको चोट नहीं पहुंचाना, उसको पकड़ के बाहर ठीक है भय भी है फिर भी हम उनको। अब आप उसकी पूजा करते हैं उनका सम्मान करते हैं, वो आपके भीतर में एक देव रूप है, नाग का जो देवता का रूप है जिसको देवता के रूप में मानते हैं, नाग देवता के रूप में मानते हैं वो इस रूप में उसकी पूजा आप
रूप में करें, किस रूप में करें, वो करते हैं। कोई हमने नहीं देखा कि कोई जीवित नाग के सामने उनको पालते हैं और उसकी पूजा करते हैं, हमने नहीं देखा है। लेकिन वो सपेरा और उसकी बात छोड़ दें, उनकी वो एक उनका अपना धंधा भी है और उनका वो बिजनेस भी है। लेकिन यहाँ जो कहा जा रहा है वो एक सामान्य बात कही जा रही है कि एक सांप की जाति से व्यक्ति को भय है, वो आगे पीछे दाएं बाएं और कितना भी आप देवता भी मान लें, लेकिन आप तो उनको हाथ में तो नहीं लोगे, आप जाकर के उनके पास तो नहीं बैठोगे। देव रूप मानते हुए भी आप एक डिस्टेंस उनसे रखते हैं। तो ये बात समझने की है, हमारे आचार्यों ने क्या कहा है? हमारे आचार्यों ने कहा है कि आप मन से सरल बनो, वाणी से सरल बनो और शरीर से शरीर बनो। जो व्यक्ति माया करता है, भीतर में माया है, छिपाने की वृत्ति है, वो मन की माया आपके वचन में उतर करके वचन की कुटिलता बनती है और वचन में उतरती है तो आपके शरीर में हाव भाव भी वो आते हैं, तो वो शरीर की माया बनती है। तो हमारे आचार्य कहते हैं जो व्यक्ति मायावी है वो अपराध नहीं करता है, उसने कोई अपराध नहीं किया। जैसे सांप के पास विष नहीं है, सारे सांप विषैले नहीं होते हैं, 100 में से कोई एक टुकड़ा ही इक्का दुक्का होता है, उनमें विष होता है, लेकिन हम सब सांप की पूरी जाति से डरते हैं। वैसे ही कहा गया कि जो व्यक्ति छिपाने की वृत्ति रखता है, छिपाता है, सही सही बात नहीं बताता है, जिस व्यक्ति को पता चल गया कि ये व्यक्ति मायावी है, वह अपराध नहीं भी करता है फिर भी लोग उन पर विश्वास नहीं करते हैं। जिस प्रकार सांप पर विश्वास नहीं होता है, वैसे ही मायावी लोगों पर किसी का भरोसा नहीं होता है, भले वो सत्य भी बोल रहा है, एकदम उसका इंटेंशन सही भी है, लेकिन एक बार पता चल गया कि ये झूठ भी बोलता है, इसकी वृत्ति है छिपाने की, सही सही बात नहीं करता है, तो क्या होता है? वो क्या होता, किस पर अटैक होता? आप अपने जीवन में जिसको भी मित्र बनाया है, किसको बनाया? पहली कसौटी क्या, पहली शर्त क्या? ट्रस्ट। पहली शर्त अपने साथी के साथ, पहली बात क्या? ऑनेस्ट। यहाँ लोग कहते हैं कि यहाँ धर्म कर्म को तो इतना नहीं जानते हैं, लेकिन लोग बड़े ऑनेस्ट हैं। वास्तव में ये प्रैक्टिकल, ये स्पिरिचुअलिटी है, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है कि वो ऑनेस्ट। तो ऑनेस्टी जितनी होती है उस पर आप भरोसा, अगर आप क्रोधी है, क्रोध क्या किस चीज का नाश करता है? क्रोधी है तो प्रियता, प्रेम का नाश, जहां क्रोध वहां प्रेम का नाश, जहां अहंकार वहां विनम्रता का नाश, और जहां ये माया आ गई तो वहां किस चीज का नाश होता है? वहां विश्वास का नाश होता है, भरोसे का नाश होता है। दुनिया किससे चलती है आप बताओ? विश्वास। दुनिया प्रेम से नहीं चलती, दुनिया विश्वास से चलती। अभी आपके पास, यहाँ तो सबके पास कार है, इंडिया में जाओगे तो कभी टैक्सी भी किराए करते हैं, रिक्शा भी लेते हैं। अब रिक्शा वाले के साथ आपका प्रेम है क्या? प्रेम उसका धंधा है। बस ड्राइवर के साथ आपका प्रेम?
लेकिन क्या है? विश्वास। विश्वास जहाँ हम बैठेंगे वो वहाँ हमको ले जाएगा अच्छे से चला करके। एक भरोसा है भीतर में, पहले फ्लाइट में बैठे कहीं बैठे तो दुनिया किससे चल रही है? विश्वास से चल रही है। तो हम अपने जीवन में इस बात पर भी ध्यान दें कि कब कब हमारा मन कुटिल होता है और वो कुटिलता हमारी भाषा में उतरती है। एक व्यक्ति वो बात बात में बात बहुत बदलता था, सही सही बात नहीं बता। घर से निकला, पत्नी ने फोन किया, कहाँ हो? कहाँ हो? कहाँ बैठा था? होटल में बैठा। कहीं होटल में पहुंच गए। अब पत्नी का फोन अपने आप को बचाने के लिए उसने कहा मैं संकेश्वर आया हूँ, मंदिर में हूँ। पत्नी को जानती थी, उसने कहा कहाँ बैठे हैं आप, लेफ्ट साइड बैठे हैं राइट साइड बैठे हैं? उसको पता नहीं था कि आगे और प्रश्न आने वाला है। उसने फटाफट, क्योंकि जवाब तो फोन पर फटाफट देना पड़ता है, उसने कहा मैं लेफ्ट साइड बैठा हूँ। तो ये ऊपर ही घंटा है आपके ऊपर, क्योंकि मैं तो बहुत बार गई हूँ संगीतकार, ऊपर घंटा है, थोड़ा घंटा बजा लो। मंदिर में हो तो घंटा बजे। तो ये सारी बातें हम सोचते हैं कि इस प्रकार कहेंगे सामने वाला समझ जाएगा, बात भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। लेकिन बंधुओं, इस प्रकार की बातें, छोटी छोटी बातें हम यहां से तो बच जाते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट कहाँ आ रहा है ये आप कुछ इसके प्रति हम अवेयर हैं या नहीं? आज इस स्वाध्याय में कुछ ऐसे टिप्स हैं उनके प्रति हमारी अवेयरनेस आए। एक बात है कि आप आपको झूठ नहीं बोलना है। आप आज के दिन ये भी संकल्प कर सकते हैं कि आपको सच नहीं बोलना, सच नहीं बोलना है। ये भी संकल्प हो सकता है, सच नहीं बताना है, मत बोलो। उसको सच को नहीं बताने के लिए झूठ बोलना जरूरी है। ये अवेयरनेस आज के दिन आप इस बात को समझने का, क्या कभी सोचा इस बात, ये बात जो मैं बता रही हूं कि कम से कम आप सच न बताए, ठीक है? सच नहीं बता करके भी आप झूठ से बच सकते हैं। कैसे? चुप रहे। अच्छा, खाली चुप रहने से काम हो जाएगा? सब जगह चुप रहोगे तो भी कभी पकड़े जाओगे। जितनी बात करने की जरूरत है उतनी करो, फालतू नहीं करो। देखिए, अभी जो हमारे भीतर में जो स्मार्टनेस आ रही है उनके प्रति हम अब अवेयर। ये स्मार्टनेस हमारे काम की नहीं, इससे व्यवहार तो चलेगा, आपका क्या होगा? व्यवहार तो ऐसे ही चल रहा है, जो नहीं झूठ बोल रहे हैं, नहीं छिपाते उनका भी चल रहा है और आपका भी चल रहा है। छोटी छोटी बातों के प्रति आप सजग हैं। एक भाई बिजनेसमैन, उसने संकल्प किया, उसने क्या संकल्प किया कि सच नहीं बोलूंगा, सच नहीं बोलूंगा। जहां मुझे झूठ बोलने का अवसर आए वहां मैं सच नहीं बोलूंगा, उसका संकल्प किया।
किया कि अगर सच नहीं बोला, जो मैं सच नहीं बोलूंगा और सच की जगह अगर झूठ बोल दिया तो 1,00,000 का क्या, 1,00,000 की पैनल्टी, 1,00,000 की संकल्प ले लिया उसने, 1,00,000 अब डॉलर कर लो आप यहाँ पे डॉलर ले लो, बहुत ही बढ़िया है। कहीं नया आपको संकल्प करना है और नई आदत डालनी है, अच्छी आदत डालनी है, ये तरीके हैं। उस भाई ने, मैं बात इंडिया की कर रही हूँ, उस भाई ने संकल्प किया कि मैं जहां जहां ऐसा कहीं भी कंडीशन आएगी तो वहां मैं सच नहीं बोलूंगी। अब व्यापार में क्या हुआ, हीरो का व्यापार है और आपके भाव तो होते हैं। अब सामने वाला पूछता है कि ये आपके घर में कितना पड़ा, ये पूछ लिया आपको, पूछ तो मुझे इतने में बेच रहे हो, आपके घर में ये कितने में पड़ा। अब जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या क्या करते हैं आप बताओ, इस अर्निंग के लिए, कमाई के लिए ये कितनी जबान चलती है, कितने वे से चलती है। अरे घर ही नहीं चलता है, खर्चा ही नहीं निकलता है, बस हम तो यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल मेरे कोई ज्यादा इसका नहीं प्रॉफिट रहने वाला है और इतना घर में आया है बस इतना ही लगा रहे, कितना कितना बोलना और क्या वो सारा सच होगा। अभी मैं बात किस बात की कर रही हूँ, सच की, सच भी मत बताओ। अमेरिकन वे इज नन ऑफ योर बिजनेस, अमेरिकन वे इज आंसर नन ऑफ योर बिजनेस। बिल्कुल आप सही बोले, ये बिल्कुल सही बात बताई कि वो उनका बिजनेस नहीं है, उनको पूछने का, उनको तो अपना लेना है तो लो। तो उस भाई ने संकल्प किया कि मुझे ऐसा सच नहीं बताना है जिसमें मुझे झूठ बोलना पड़े। उसके प्रति वो अवेयर था कि ये मेरा काम है कि मेरे घर में कितना पड़ा, मैं इतने में बेचता हूं, देखिए आपको लेना है तो आप ले। अब मेरे घर में कितना पड़ा ये मेरा काम है, अब ये आपका काम है। क्या ये ऐसी हिम्मत अपने पास आती। बीकानेर के हमारे एक श्रावक थे और आपको पता है बीकानेर तो राजाओं का वो रहा है शासन, आगे से आगे महाराणा राणा राजाओं का रहता था, तो कभी कभी राजघराने से एक आता था मैसेज कि जिन जिन के घर में कोई तलवार हो, कोई ऐसे शस्त्र हो तो जरूरत है तो मंगवाते थे। एक हमारे श्रावक थे, उनके घर में गए लोग पूछने, आप देखिए अवेयरनेस आप देखिए और हिम्मत भी देखिए। तो गए तो उन्होंने क्या कहा, श्रावक बोले कि देखो मेरे घर में तो है लेकिन राजा को बता देना कि मेरा नियम है कि अगर इससे लड़ाई की जाएगी, इसका दुरुपयोग होगा, मैं उसको नहीं देता हूं। तो मेरे घर में तो है लेकिन मैं नहीं दूंगा, इतनी हिम्मत। और सत्य भी किसके सामने, राजा के सामने। आप देखो ऐसे श्रावक भी हुए हैं तो नाम उन श्रावकों का ही रहता है। कभी कभी राजा का दिल भी बदलता है कि कैसे लोग होते हैं जो सीधा सत्य बता रहे हैं, राजा को सत्य बोल रहे हैं, उनको मृत्यु का भी भय नहीं कि राजा कुछ भी एक्शन ले सकता। तो हम आपको ये तो नहीं कह रहे हैं कि इस प्रकार आप इतना सच बोले, लेकिन ये जो बात हमने बताई उस सत्य को आप सत्य रहने दें, बोलने की जरूरत, सत्य बताने की जरूरत नहीं है। कई जगह ऐसी बातें होती है, कई जगह होती है, उस सत्य को बोलो मत,
मन में रखी, लेकिन उस सत्य को छिपाने के लिए आप साथ झूठ बोल रहे हो। उससे कुछ क्या हो सकता है? हो सकता है कहीं पार्टी में आपको बुलाया जा रहा। अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि तबीयत ठीक है। तबीयत तो ठीक है, अब तबीयत ठीक नहीं क्या क्या कर रहे हो आप? ठीक होकर के आप किसको बुलावा दे रहे हो? रोग को बुलावा दे रहे हो। तो इस प्रकार अभी आप कहीं ट्रैफिक में नहीं फंसे हैं, अभी घर से ही रवाना नहीं हुए हैं और कहीं लेट हो रहे हैं, तो सीधा आपने बहाना बता लिया कि ट्रैफिक में फंसे। क्या होगा? अरे सामने वाला करके क्या करेगा? कोई अर्जेंट हो गया, काम हो गया, थोड़े से लेट निकल रहे हैं, अरे इतनी तो हिम्मत हम रखें। हमारा बैड इंप्रेशन होगा तो क्यों चाहे कितना होगा? आप अगर 99 टाइम्स आप टाइम पर पहुंचने वाले व्यक्ति हो, पंक्चुअल व्यक्ति हो, एक बार आप लेट भी हो गए तो कोई कुछ नहीं कहने वाला है, कोई नहीं सोचने वाला है। हम ही सोचते हैं और हमारी आदत पड़ी हुई है, इसीलिए हम तो आदत के लाचार। एक राजा का संकल्प था कि मेरे राज्य में कोई व्यक्ति आता है और उसकी वस्तु अगर नहीं बिकती है तो मैं लेगा, उसको ऐसे नहीं जाने। सबको पता था कोई भी सामान बेचने आता, पूरे दिन वो लोग घूमते, उनका सामान नहीं बिकता तो फिर लास्ट में क्या होता? राजा खरीदते। एक दिन की बात, एक व्यक्ति शनि देवता की मूर्ति लेके, शनि देवता की मूर्ति पूरे गांव में घुमा। अब कोई भी शनि को प्रवेश सामने से नहीं देते हैं, लोग उनको नहीं मानते थे, तो किसी ने खरीदी नहीं, खरीदी नहीं तो नंबर किसका? राजा। राजा ने उसको खरीदा, कुछ नहीं सोचा, पता भी था कि ऐसी वस्तु घर में काम की नहीं है, फिर भी क्या था उनका संकल्प था, नियम था कि मैं खरीदूंगा। वो अपने प्रति ऑनेस्ट था, कोई भी चीज उसकी पास परीक्षा थी, खरीद लिया। रात को एक दिव्य ज्योति हुई और आवाज हुई कि मैं जा रही। राजा ने कहा, कौन कौन हुआ? लक्ष्मी देवी, जहां शनि होते हैं वहां मैं नहीं टिकती हूं, इसलिए मैं जा रही। राजा ने कहा, जा सकते, लक्ष्मी रवाना हो राजमहल से। थोड़ी देर में वापिस एक दिव्य ज्योति हुई, प्रकाश हुआ और आवाज आई, मैं भी जा रहा हूं। आप कौन? मैं धर्म, मैं भी जा रहा हूं क्योंकि शनि आ गया। राजा ने कहा, जा सकते। थोड़ी देर बाद और प्रकाश हुआ, आवाज आई, मैं जा रहा। राजा ने कहा, आप कौन है? तो आवाज क्या आई? मैं सत्य हूं। राजा ने कहा, आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते। क्यों? आपके लिए तो मैंने सब कुछ छोड़ा, लक्ष्मी गई, सब कुछ गया और शनि को मैंने प्रवेश करवाया। किसने करवाया? सत्य के लिए करवाया, आपके लिए मैंने करवाया, आप नहीं जा सकते।
सत्य रूप गया। सत्य तो था ही, आप समझ गए, सत्य तो था ही, क्योंकि उन्होंने उसने राजा ने क्या किया, सत्य को प्रश्न दिया। सत्य था मुझे लेना है, जो चीज नहीं बिकेगी वो मुझे लेनी है, उन्होंने ली। सत्य रह गया, सत्य रहा तो फिर धर्म भी आ गया, धर्म आया तो फिर लक्ष्मी भी, सबको आनंद भरा। तो ये सत्य और सत्य की डेफिनेशन आप समझिए, केवल सत्य हमारी भाषा से संबंधित नहीं है, सत्य तीनों से रिलेटेड, मन से, वाणी से और शरीर से। शरीर के हमारे पोस्चर चेंज होते हैं, उससे हम बात कुछ और है, कुछ दिखाना कुछ और चाहते हैं, ये भी असत्य हो गए शरीर से रिलेटेड। बात को छुपाते हैं, ये भाषा से असत्य हो गया। और मन में हम सोचते हैं इस बात का जवाब मैं ऐसे दे दूंगा वैसे दे दूंगा, ये किसका हुआ, मन से रिलेटेड असत्य। तो पूरा संपूर्ण सत्य क्या है, संपूर्ण सत्य क्या है, हम मन से सरल बने, वचन हमारे बिल्कुल सरल रहे और भाषा हमारा शरीर के जो हाव भाव है वो भी सरल रहे। एक ब्राह्मण की गाय थी, उनको गाय बेचनी थी, और गाय का मूल्य क्या, कौन सी मूल्यवान गाय होती है, जो दूध देती है, ज्यादा और कम वो बात अलग है कि ज्यादा दे, लेकिन मूल्य उनके साथ वही जुड़ा हुआ है, गाय वही है जो दूध दे, वही योग्य होती है, उसी को लोग खरीदते हैं। तो ब्राह्मण के मन में आया कि मैं, मुझे ये गाय बेचनी है, लेता कोई है नहीं, एक पंडित के पास गया कि कैसे भी करके मेरी ये विधवा दो। पंडित ने कहा देखो कोई भी तेरे जो भी ग्राहक आए उसको मेरे पास भेज देना। ग्राहक आया, गाय पसंद आ गई, और लास्ट में क्या प्रश्न है, दूध कितना देती है, कितना दूध देती है। अब गाय बेच रहे हैं तो इतना सीधा तो नहीं कहेंगे कि देती है नहीं देती है, इतना तो कम से कम पूछ ही लेते हैं कि कितना देती है। तो ब्राह्मण ने क्या कहा, देखो हमारे जो पंडित जी है ना, आप इसके बारे में पंडित जी को पूछो। पंडित के पास गया रात, गाय दूध कितना देती है, और पंडित ने क्या किया, वो वाणी से तो मौन रहा, उसने इशारा किसकी तरफ किया, एक पत्थर पड़ा, पत्थर पड़ा था, पत्थर की तरफ किया, इशारा किया। अब वो ग्राहक ने क्या सोचा, ये लगभग 5 किलो का होगा, 5 किलो दूध देती होगी, बेचारा ले गया, 5 किलो दूध देती होगी, उस बहाने वो ले गया, और घर पे जाकर पता चला क्या, तो ऐसी भाषा जो होती है जिसके दो मीनिंग निकलते हैं, जिसके दो मीनिंग निकलते हैं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ऐसी डाउटफुल उसका मीनिंग ये भी होता है और ये भी होता है, ऐसी डाउटफुल भाषा से भी हमको बचना चाहिए। महाभारत में उसके जो दो मीनिंग निकल रहे थे, उसका उसके भीतर में उसका क्या था, रीजन क्या था, मन में कुटिलता थी। मरुदेवा माता हमारे सामने आदर्श,
मरुदेवा माता किसकी माँ? किसकी माँ? आदिनाथ। आदिनाथ भगवान की माता। प्रथम मोक्षगामी इस काल की अवसर भी निकाल उसने कोई तप नहीं किया, कोई जप नहीं किया, कोई व्रत नहीं किया, कोई दान नहीं किया। ये जो व्यवहारिक जितने रूप है धर्म के, किसी का अभ्यास नहीं किया। उसके पास क्या था? उनके पास ये आर्जव गुण था, ये ऋजुता थी, सरलता थी, कोई कुटिलता नहीं, आंशमात्र भी कुटिलता नहीं। उत्कृष्ट सरलता का रूप मरुदेवी माता। और जहां सरलता है वहां धर्म को बुलाने की जरूरत नहीं है, धर्म वही होता है। हमारी बहन ने समझने का प्रयत्न करें, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत गहरी बातें नहीं है। ये सरलता का गुण हर व्यक्ति की समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद कितना रहे ये नहीं पता आप बता। अब याद रखना ही नहीं है इसको। याद तो किसको रखते हैं? जिसको कभी भूलते हैं। जिसको हम भूले ही नहीं तो उसको क्या याद रखना? ये तो सब उतारने की चीजें हैं, याद करने की चीजें नहीं। संस्कारों में डालने की बस आदत बताने की बातें हैं। आज तक हमने इस प्रकार किया, दो का चार किया, चार का दो किया, आदत रही, बात बात में हमने असत्य लगाया। लेकिन अब इस पर ध्यान जाए, मुझे इन तीनों की कुटिलता से बचना है। धर्म का सरल रास्ता है। और भगवान महावीर ने कहा कि चित्त की शुद्धि, चित्त की प्रसन्नता कहाँ टिकती है, धर्म कहाँ टिकता है, ये बात आप मन में आज धार लें। जहां सरलता है स्वतः वहां धर्म की स्थिरता है, धर्म का वहां धर्म की प्रतिष्ठा है। धर्म को खोजने की जरूरत नहीं है और डाउट करने की भी जरूरत नहीं है कि यहां मेरा धर्म होगा कि नहीं होगा। कई बार लोग कहते हैं कि उसको बचाने के लिए मैंने झूठ बोला। कभी कभी हम बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। आप सामने बैठे हैं, मुनि के लिए कठोर व्रत है कि हमको तो किसी को बचाने के लिए भी सच नहीं बोलना है। क्या करना है? वहां भी हम मौन रहते हैं, सच नहीं बोलना। कम से कम आपका इतना संकल्प तो रहे कि मेरी वाणी से किसी का अहित हो, वैसा तो असत्य हम कभी नहीं। ये तो हो ही सकता है। आपका नहीं बनता है किसी के साथ, आपकी नहीं बन रही, और उसी व्यक्ति की दोस्ती आपके दोस्त से
मित्र हम ये तो संकल्प करें कि किसी का अहित हो, ऐसा हमारा प्रयत्न नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातें जिसमें आपका खुद का अहित हो रहा है, उसको टालने में आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, उससे भी आप बचें। इतना संकल्प तो आपका को होना ही चाहिए। इन दोनों में जहां आपका अहित हो रहा है, कहीं दूसरे का अहित हो रहा है, ऐसी भाषा को टालने का प्रयत्न आपका अवश्य रहना चाहिए। तो ये तीन बातें, शरीर की ऋजुता, वचन की ऋजुता और वाणी की ऋजुता, ये कौन से कर्म के साथ जुड़ी, इससे कौन सा कर्म प्रभावित होता है? देखिए आज आज के स्वाध्याय में पाप की बात, 18 पाप की बात आई, कषाय की बात आई, 5 व्रत है हमारे उसकी बात आई, और अभी बात आ रही है कर्मवाद की। तो कर्मवाद, कौन सा कर्म हमारा इस माया से जुड़ा हुआ है? मौनी मोहनी जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक तो मोहनी कर्म जुड़ा हुआ है, क्योंकि कषाय कषाय मोह के साथ। दूसरा और बताना, एक और कर्म, ये तो मोह हो गया, घाती कर्म के साथ आ गया। तो आप देख रहे हैं माया का संबंध किसके साथ है, अघाती नहीं, घाती कर्म, जो एकदम उत्कृष्ट कोटि के कर्म है उनके साथ भी इसका माया का संबंध। अब दूसरा माया का संबंध और कौन से कर्म के साथ? नाम कर्म, नाम 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 कर्म। आपको सुंदर शरीर मिला, सुस्वर मिला, अच्छा स्वर मिला, आप थोड़ा सा काम करते हैं और इतना यश मिलता है। कहते हैं इसके तो इतना यश लिखा हुआ है, इसके हाथ में जस है, इसके नाम में जस है, इनके नाम से कोई दुकान भी करते हैं तो बहुत ज्यादा चलती है। थोड़ी मेहनत में ज्यादा मां लाभ, ये सब किसके साथ जुड़ा हुआ है? नाम, ये नामकरण है ना। नामकरण के दो रूप है, नामकरण से हमको शरीर मिला और शरीर से रिलेटेड हमारी जो भी इंद्रियां हैं और हमारा स्वर है वो सब मिला। तो नाम के दो रूप है, एक शुभ नाम और एक अशुभ नाम। जो जो अशुभ मिला वो किसकी वजह से मिला? अब कर्म तो अच्छा है, लेकिन समझने की बातें है ना। बात समझने की है कि जितनी जितनी हमारी वक्रता, जितनी जितनी हमारी कुटिलता, आपकी कुटिलता आपके शरीर पर इफेक्ट, आपके स्वर पर इफेक्ट, आपकी कुटिलता आपके यश और फेम पर इफेक्ट। मन की, वाणी की और शरीर की कुटिलता ने, असरलता ने, माया ने किस किस पर प्रभाव डाला? शरीर तो मेरे
मन वचन और काया और कथनी करने की असमानता, यानी तीनों का इम्बैलेंस एक रूपता नहीं, इससे नाम कर्म पर असर आता है, अशुभ नाम कर्म प्रभावित होता है। हमारी कुटिलता से आप देख रहे हैं, छोटी छोटी हम माया करते हैं, बात छिपाते हैं, उनसे नाम कर्म प्रभावित होता है, अशुभ नाम कर्म प्रभावित होता है, उससे हमारा शरीर, शरीर की शक्ति, शरीर से जुड़े हुए हमारे नेम, फेम, यश, ये सारी बातें उससे प्रभावित होती है। तो आज के इस स्वाध्याय की गहरी प्रेरणा, हम तप नहीं कर सकते शरीर का, मौन भी आप ज्यादा नहीं कर सकते, तो कम से कम हमारा मन सरल रहे, ये मन का उपवास है, मन हमारा रिजु बना रहे, तो आपके मन का उपवास हो जाएगा, मन की शुद्धि वचन और शरीर पर उतरेगी। ये तीनों जितने हमारे सरल होंगे, हम जितने सिंपल होंगे, जितने हम यथार्थ बाहर और अंदर एक जैसे होंगे, उससे हमारा शुभ नाम कर्म प्रभावित होगा। समझ गए? कितने लोग हमारे पास आते हैं और एक ही होना, कौन सा? समणी जी इतना काम करती हूँ, इतना उनको हेल्प किया, लेकिन किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। किसका प्रभाव? नाम कर। किसका? इस कुटिलता का। यश नहीं मिल रहा है, काम करते हैं, यश नहीं मिलता, यश और ही कोई ले जाता है। काम तो आपने किया, माला और ही किसी ने पहन दी। निष्काम काम नहीं करते इसलिए। वही निष्काम भी नहीं करते तो वहां भी कोई माया ही है, वहां भी कोई माया ही जुड़ी। तो बात क्लियर है, 18 पाप में ये जो माया पाप है, माया से जुड़ा हुआ पाप, हमारे आचार्य कहते हैं, अध्यात्म सार एक ग्रंथ है, उनके कर्ता ने कहा कि इस संसार को छोड़ना इसका त्याग सरल है, पूरे परिवार को छोड़ना वो भी सरल है, अच्छे खाद्य पदार्थ जो आपको अच्छा लगता है, ऐसा भोजन आहार खाने की उन वस्तुओं का त्याग भी सरल है, आपको जो जो अच्छे लगते हैं उन वस्त्रों का त्याग भी सरल है, लेकिन इस माया को समझना और इस माया को छोड़ना उससे भी कठिन है। इसलिए इस माया को हम समझें, और जो उदाहरण बताया सांप का, सांप का नाम भी हम नहीं सुनना चाहते, सांप को हम टच भी नहीं करना चाहते, जिस जगह वो आया उस जगह को भी हम वहां बैठना नहीं चाहते। इसी प्रकार ये जैसे सांप का प्रभाव है, वैसे ही माया का भी प्रभाव है, वो हमारे हित के लिए नहीं होता है। हर दृष्टि से माया निंदनीय है, वो ग्रहणीय नहीं है, उसको हमें ग्रहण नहीं करना है, उसको किसी भी वजह से हमको अपने जीवन में, अपने संस्कारों में, अपनी भाषा में, अपने व्यवहार में स्थान नहीं देना है। जो लोग इस कषाय को, चार कषाय में हम माया कषाय को जीत करके हम इस संसार में परम विश्वास को प्राप्त करें कि आधी रात में भी कभी कोई व्यक्ति कहेगा कि अमुक व्यक्ति ने ये भूल कर दी, तो रात को भी व्यक्ति को विश्वास नहीं होगा कि ब्रह्मा उतर करके भी आ जाए, ये व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। इतना दृढ़ विश्वास किस व्यक्ति का होता है? जो लोग बीजू होते हैं, मन से, वचन से, काया से, जिसकी कथनी और करनी में समानता होती है, जैसा वो बोलते हैं वैसा वो करते हैं और वैसा ही सोचते हैं, ऐसे रिजु लोग, इस रिजुता गुण, इस आर्चर गुण का हम विकास करके हम धर्म को स्थायी अपने जीवन में बनाएं। हमेशा आपके पास 24 आवर्स धर्म का वास आपके पास रहेगा। अगर सरलता है आपके पास, तो 24
कर्म के सिद्धांत को आज आपने समझा कि इससे, इस माया से हमारा मोह कर्म प्रभावित होता है, नाम कर्म प्रभावित होता है। और जब तक आप संसार में हैं, नाम के बिना आप चल नहीं सकते। और नाम से जुड़ी हुई हर अच्छी चीज आप चाहते हैं अपने जीवन में। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा, मैं जो कुछ बोलूं सामने वाला मेरा सुने, मैं जो कुछ बोलूं मेरा सम्मान हो, और मैं काम करूं तो उसका भी नाम हो, और जो भी शरीर मिला है उसमें मेरा बल बना रहे, सौंदर्य भी बना रहे, ये भी सबकी भावना रहती है, कामना रहती है। तो कई ऐसी बातें जुड़ी हुई है इस माया के साथ। उस माया को हम अपने जीवन में उनको निकालने का प्रयत्न करें, और ज्यादा से ज्यादा हम सरल बने, ऋजु बने, हमारे भावों की ऋजुता, मन की ऋजुता, वचन की ऋजुता, शरीर की ऋजुता, उससे अनंत कर्म निरजरा होती है। उस कर्म निरजरा में आप सब भागीदार बने, इसी भावना के साथ ओम।